भाई साहब, इसे कहते हैं कमबैक, सॉलिड कमबैक। भाई मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना जबरदस्त प्रीव्यू, दिल से बोल रहा हूँ, कहीं से कहीं तक बॉलीवुड का कोई वाइब नहीं दिया, पूरा इंटरनेशनल लेवल ट्रेलर को टक्कर दिया है। थोड़ी देर तो ऐसा फील हो रहा था कहीं एक्सपेंडेबल्स का या फिर मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर तो नहीं देख रहा हूँ। शाहरुख खान के लिए दिल से इज्जत जग रही है भाई, ये एक बंदा है जो बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकता है। भाई 4 साल का जो गैप था ना, ये वो मेहनत है, वाकई में दिल से करेगी मेहनत दिख रही है भाई साहब, फाड़ के रख दिया है कसम से। फैंस के दिल खुश होने वाला है, जो इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे क्या नेक्स्ट लेवल का प्रीव्यू है, सर अमेजिंग। या दोस्तों, मोस्ट मच अवेटेड मूवी जिसका इंतजार पूरी दुनिया में बेसब्री से हो रहा था, उसका प्रीव्यू आज यानी 10 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है। एक बार फिर कहूंगा भाई, दिल से एक्शन फिल्मों का शौकीन हूं और इस लेवल का एक्शन, इस लेवल का सिनेमा मैंने अभी तक बॉलीवुड में नहीं देखा था। तो आज बात करेंगे जवान के प्रीव्यू की, कैसा है मूवी का, लोगों को अब कितना बेसब्री से इंतजार है और आखिर ये प्रीव्यू है क्या, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी SRK के डाई हार्ड फैन हैं और जवान मूवी से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, सबने उम्मीद लगा रखी थी कि जवान से रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट होगा जबरदस्त अपडेट होगा, लेकिन इतना धमाकेदार अपडेट होगा ये किसी ने उम्मीद ना करी थी। दूसरा, लोगों के दिमाग में ये बातें लगातार घूम रही थी कि प्रीव्यू में आखिर ऐसा क्या दिखाएंगे, कहीं कंजूसी करके सिर्फ छोटा सा टीजर टाइप में तो नहीं दिखा देंगे। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, अगर देखा जाए तो एक तरह से ट्रेलर ही था, लेकिन मान गए अटली कुमार को क्या समझदारी से प्रीव्यू को रिलीज करा गया है, सिर्फ ऐसे पार्ट दिखाए हैं जिनसे जनता को और भी एक्साइटमेंट मिले कि यार अब ट्रेलर में और क्या दिखा सकते हैं ये लोग, जब साला प्रीव्यू में ही इतना सब देखने को मिल गया है तब। लेकिन मुझे यकीन है जब ट्रेलर आएगा तो इससे भी भयंकर आने वाला है भाई, पूरा भरोसा है। ट्रेलर का जो मजा है वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होने देंगे SRK और अटली कुमार। देखो, जितना इंतजार ये मूवी करा रही है उससे भी ज्यादा सरप्राइजेस ये हमें रोज दे रही है। सबने सोचा था एक्शन का लेवल हाई रहेगा, मे बी पठान को मैच करेगा, लेकिन पठान तो सच में इसके सामने कुछ नहीं है भाई साहब। ये मूवी खदेड़ने वाली है सबको, कितने रिकॉर्ड टूटेंगे सही में गिनती नहीं कर पाओगे। जो एक इक्वेशन चल रही थी ना, साउथ वर्सेस बॉलीवुड, जहां साउथ बीट कर रहा था भाई, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। सितंबर का महीना जवान का रहने वाला है, सालार को बहुत टक्कर मिल सकती है। प्रभास के लिए इस बार बॉलीवुड को ओवरकम करना इतना आसान तो रहने वाला है। देखो क्या जबरदस्त स्टार्टिंग करी है प्रीव्यू की, स्टार्टिंग डायलॉग डिलीवरी बाय SRK इज ब्रेथटेकिंग कि मैं कौन हूं, मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, आपको किया वादा हूँ या इरादा हूँ, मैं जो भी हूँ आप हूँ, सेम कुछ कुछ इस तरह से एक लंबा जबरदस्त डायलॉग है जो SRK का फिल्म इंडस्ट्री में गरज साबित कर रहा है। और क्या अमेजिंग BGM दे रखा है अनिरुद्ध भाई ने, कमाल है। सीधा कनेक्शन किंग खान का कि I am back, भाई साहब मेरे होश उड़ गए हैं। और यस, जैसा कि न्यूज़ थी कि SRK के मल्टीपल कैरेक्टर्स होने वाले हैं मूवी में, जिसमें से 3 कैरेक्टर हमें शो कर दिए गए हैं, एक मास्क लगाकर, दूसरा एक फौजी के रूप में, तीसरा वो पट्टी बांधकर गंजे वाला लोग, और तीनों ही फॉर्म में क्या जबरदस्त लग रहे हैं। देखो, प्रीव्यू का हाइप हॉलीवुड को मैच करने की कोशिश तो करी गई है, लेकिन डर ये भी है कि हॉलीवुड को मैच करने के चक्कर में खुद मजाक ना बन के रह जाए। पर प्रीव्यू देखकर ऐसा कुछ फील हो तो नहीं रहा है। बाकी एक खासियत तो है कि प्रीव्यू में स्टोरी क्या होने वाली है, क्यों इतने मल्टीपल कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं SRK, कहीं से कहीं तक कोई लूप होल नहीं देखने को मिल रहा है। मे भी हो सकता है कि डबल रोल हो, मे भी हो सकता है कि एक अंडरकवर एजेंट हो जिसे टाइम टाइम पर अपना रूप बदलना पड़ता हो। तो सिर्फ प्रीव्यू से इतना खास समझ आ नहीं रहा है फिल्म की स्टोरी। बाकी दोस्तों, नयनतारा जी का लुक अमेजिंग है, दीपिका पादुकोण के सीन ने प्रीव्यू में और भी ज्यादा जान डाल दिया, विजय सेतुपति का अलग ही बवाल मचा रहे हैं। तो कुल मिला के एक ब्लॉकबस्टर पैकेज निकलने वाला है मूवी का, जो सिनेमाघरों में आग फाड़ने वाले हैं और भर भर कर कमाई करने वाली है। दोस्तों गारंटीड 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करने से इसे किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया अब आपकी बारी में, अगर आप लोगों ने भी प्रीव्यू देख लिया है तो आपको ये एक्शन से भरा प्रीव्यू कैसा लगा, दूसरा ये आप लोग बताएंगे कि मूवी 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।